हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रकाश फार्मेसी। प्रकाश फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कैल्शियम की गोली जो आती है, जिसे हम सेलकाल 500 कहते हैं। तो सेलकाल 500 टैबलेट की जानकारी आपको देने वाले हैं कि इसको किन रोगों में इस्तेमाल की जाती है, क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके यूजेज क्या है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, हर चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जानते हैं सेलकाल 500 टैबलेट के बारे में, इसका रिव्यू दे देते हैं आपको। तो ये जो है 15 टैबलेट की एक स्ट्रिप आती है, जो कि 131 रुपये में आप मार्केट से ले सकते हैं 15 टैबलेट। और इसकी यदि कंपनी की बात करें तो टोरेंट फार्मा इसको मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कराती है। और ये जो है कैल्शियम की पूर्ति के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंपोजिशन की बात करें तो दो कंपोजिशन से मिलकर के बना है, कैल्शियम और विटामिन D3। इन कैल्शियम और विटामिन D3 का वर्क ये होता है कि यह जो है ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात जो हड्डियों की कमजोरी वाली रोग होती है, जिसमें हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में डिफिशेंसी ऑफ विटामिन D3 अर्थात विटामिन D3 की कमी की वजह से जिन जो भी रोग होते हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में ऑस्टियोमेलेसिया एक आती है डिजीज, जिसमें कैल्शियम की भी कमी उसमें भी होती है और विटामिन D3 कमी होते हैं, जिसकी वजह से ये रोग होते हैं। तो इन सबको पूर्ति के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में रिकेट्स की ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है और उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको कमजोरी हो रही है जिसकी वजह से आपको हड्डियों में दर्द हो रही है, हड्डियों में दर्द आप ऐसे महसूस कर सकते हैं कि यदि आपको हड्डी पर जरा भी आप थोड़ा सा दबाव पड़ेगा या कोई आपके हड्डियों पर दबाएगा, या अर्थात हाथ के पैर पे या कमर पे या रीढ़ की हड्डी पे, यदि आपको कोई अच्छा सा दबाएगा तो आपको बहुत आराम मिलेगा। उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहती है और दबाने से उसमें आपको आराम मिलती है, जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि हमें कैल्शियम की कमी हो रही है। और ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि आपका हड्डी के जो अंदर का जो हड्डियाँ होती है वो गल जाती हैं, उसमें बहुत बारीक छिद्र हो जाती हैं, और जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी, हरासमेंट और हड्डियों में दर्द हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से अर्थात अक्सर कमर दर्द या आपके हाथों में दर्द या पैरों में दर्द ज़्यादातर महसूस हुआ करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यदि आपको हो जाती है तो ज़्यादातर लोग नहीं जान पाते हैं कि कैसे हमें हो गई है, कब हो गई, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी जो दौड़ भाग की ज़िंदगी है उनको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। उनको अगर बदन में दर्द या हड्डियों में दर्द रहती है तो उनको लगता है कि शायद हम ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसकी वजह से दर्द हो रही है। लेकिन वो दर्द तब समझ में आती है जब आपको कभी भी अगर अचानक हड्डियों पर लोड ज़्यादा आ जाती है, किसी वजह से आप गिर गए या हल्की फुल्की आपको चोट कहीं लगी और जिसमें आपका हड्डी ब्रेक हो जाती है, अर्थात हड्डी आपकी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तब आपको समझ में आती है कि शायद हमें हड्डी की हमारी कमजोर थी। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा कि बच्चे जो होते हैं हल्की सी भी कहीं थोड़ी सी भी ऊंचाई से गिर जाते हैं, उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, ब्रेक्स हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उनको हड्डियों की मजबूती के लिए और कैल्शियम और विटामिन D3 की पूर्ति के लिए आप सेलकाल 500 टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। 12 साल से ऊपर के उम्र के लोग एक टैबलेट एक टाइम ले सकते हैं और 18 साल से ऊपर के लोग एक टैबलेट एक टाइम लें। यदि आप उनको ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है या ज़्यादा कैल्शियम की कमी लग रही है तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को ले सकते हैं। कैल्शियम क्या करता है हमारे शरीर में, क्या उसका वर्क है, तो वो हड्डियों को मजबूत करता है और आपके जो दांतों को मजबूत करता है, और साथ में साथ ब्लड की क्लॉटिंग करने में बहुत अहम भूमिका होती है कैल्शियम की। ब्लड की क्लॉटिंग उसे कहते हैं जब आपकी कहीं कट जाती है और वहाँ पे खून निकलना बंद हो जाता है बहुत जल्दी, उसे ब्लड की क्लॉटिंग कहते हैं। यदि आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, अर्थात ब्लड आपका जमेगा नहीं, तो आपका यदि कहीं भी हल्की सी भी कट जाएगी, या ज़्यादातर इसकी वर्क ये होता है, ज़्यादातर इसको जाँच कराई जाती है जब ऑपरेशन से पहले, कोई भी आपका यदि आपका बड़ी सर्जरी होने वाली है तो ब्लड क्लॉटिंग की जाँच कराई जाती है, जिसमें आपको ये देखा जाता है कि कितना जल्दी आपका ब्लड जम रहा है। यदि आपका ब्लड जम नहीं रहा है तो आपका कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। आपका यदि ब्लड नहीं क्लॉटिंग होगा, ब्लड जमेगा नहीं, तो आपका कोई भी चीरा लगेगा तो वहाँ से ब्लड कंटिन्यू बहते रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे, उसको रोका नहीं जा सकता है। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसको बनाए रखने के लिए कैल्शियम की होना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। साथ में कैल्शियम की वर्क ये है कि हमारे माइंड में अर्थात हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क में जो सिग्नल्स का आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वो कैल्शियम की वजह से ही होती है। जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं वो उनमें भी बहुत बड़ा योगदान होता है कैल्शियम का, जो कि हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी यदि
बदलाव हो रहा है या कोई भी कोई दिक्कत हो रही है, तो तुरंत हमारा शरीर जो है सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन पे, दिमाग पे, और दिमाग फिर हमें हमारे अंगों को उत्तेजित करता है कि उससे हम बचे या हमें क्या करना है, उसको तुरंत एक्टिव करने का काम कैल्शियम का भी होता है। और साथ में हमारे मसल्स को पावर देने की, हमारे मसल्स को मोड़ने की और सीधा करने की भी जो मेन वर्क होता है वो कैल्शियम का ही होता है। कैल्शियम की यदि कमी होगी तो हमारे मसल्स में दर्द बहुत ज़्यादा होंगे, हमारे मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होंगे और हमारी मांसपेशियाँ जो है अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको खड़ा होने में और चलने में या आपको जल्दी टर्न लेने में, घूमने में आपको दिक्कत समझ आती है। यदि हमारा शरीर कोई भी हार्मोन्स रिलीज करता है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान कैल्शियम का होता है। कैल्शियम की कमी से हमारा शरीर जो है अच्छे से कोई भी हार्मोन्स की रिलीजिंग नहीं कर पाता है, और हार्मोन्स का रिलीज करना समय से सबसे बड़ी जो वर्क होता है वो महिलाओं के लिए होता है, क्योंकि उनको हर महीने पीरियड्स आते हैं और वो हार्मोन्स की रिलीजिंग की वजह से ही आता है। यदि उनमें कैल्शियम की कमी होगी तो उनका पीरियड भी डिसबैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स सही समय से रिलीज नहीं करेगा, जिसकी वजह से उनकी पीरियड आने में बहुत ज़्यादा लेट या पहले हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा लेट हो सकते हैं। कैल्शियम की वजह से ज़्यादातर पीरियड्स जो है बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, लेट हो जाती हैं, जो कि अच्छे से सही टाइम टाइम से जो है हार्मोन्स की रिलीजिंग नहीं हो पाते हैं, जिससे उनकी जो है पीरियड्स नहीं आते हैं। और हार्ट बीट को भी कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हार्ट जो होता है बना होता है बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है और मसल्स से बना होता है, और मसल्स पावर देने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हार्ट को कंट्रोल करने के लिए भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये रही कुछ जानकारियाँ कैल्शियम और विटामिन D3 के बारे में। और चलिए अब इसके कुछ साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो साइड इफेक्ट में यदि आपको बहुत ज़्यादा इस टेबलेट को लेने के बाद दस्त सी आने लगे या पेट में गैस बनने लगे, बदहजमी होने लगे, तो आप इस टेबलेट का इस्तेमाल न करें और नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर संपर्क कर लें। साथ में यदि आपको किसी तरह से इचिंग होने लगे, रेडनेस होने लगे या आपको कहीं बहुत ज़्यादा खुजलियाँ होने लगे, तो भी आप इस टेबलेट को लेना बंद कर दें। और साथ में आपको उलझन बेचैनी से महसूस होने लगे तो भी आप इस टेबलेट को लेना बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है इसका कुछ साइड इफेक्ट हो जो आपको दिक्कत कर रही हो। तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अलावा और भी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। कोई भी यदि आपको अबनॉर्मेलिटी समझ में आए आपके शरीर में इस टेबलेट को लेने के बाद, तो इस टेबलेट को लेना बंद कर दें, नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क कर लें। तो ये रही जानकारियाँ सेल्कॉल 500 टेबलेट के बारे में। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।